नमस्कार आमे तो कहिबु को आपन को स्वागत करूछि मु स्वागतिका माडी आसुछि सामुद्रिक झड़ फोनी तीन तारीख रे एहा स्थलभाग छुईब पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्कता जारी परे बात्यार मुकाबला पई प्रस्तुत राज्य सरकार बुलेटिन आरंभ करबा ए संपर्कित खबर रो ओडिशार एगारटी जिलार कोड अफ कंडक्ट हटाइले ईसीआई संभाव्य बात्या फोनी हटिला कोड अफ कंडक्ट काली ईसीआई निकटे दावी करते मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सेपटे संभाव्य बात्या फोनी मुकाबला एनडीआरएफ टीम प्रस्तुति प्रथम पर्यायर बाहरें एनडीआरएफ पांचटी टीम जगत सिंहपुर को तीनोटी एवं भद्रक को दुईटी टीम को पठाई एथसहित सहायता राज्य बाहर आसवे अतिरिक्त दसटी टीम बात्या मुकाबला समुदाय 28 एनडीआरएफ टीम सहायता मुतयन हेबे एही टीम ओस्टमा एवं ओडीआरएफ सहित मिसी उद्धार कार्य करिबे सेपटे कालीठू समस्त सरकारी शिक्षानुष्ठान रे छुट्टी घोषणा करा जायछि संभाव्य बात्या छुट्टी घोषणा करिछंती एसआरसी परवर्ती आदेश पर्यंत स्कूल छुट्टी रखिबा को निर्देश दिया जायछि ओडिशा को माड़ आसुच्छ विपद सामुद्रिक घूर्णिझड़ फोनी भेरी सीभियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रो रूप नहीं घंटाप्रति 7 किलोमीटर बेगर ओडिशा उपकूल आड़ मुहाँ फोनी सका 5:30 सुधा यह पुरी 710 और आंध्र विशाखापाटनम 460 किलोमीटर दूर से केन्द्रीभूत होता यह क्रमे उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे गति करुछि आज संध्या सुधा यह बात्या अति भीषण रूप नबार आगक बढ़ तेज भारतीय पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार यह 3 तारीख अपराह्नरे गोपालपुर और चांदवाली मध्य पुरीर दक्षिण को स्थलभाग छुईब उपकूल में पहुंचला बेलू पवन वेग घंटा प्रति 175 किलोमीटर रहिब बेले बेले पवन वेग 205 किलोमीटर छुईपे किंतु अमेरिकार जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर सूचना अनुसार यह पुरी जिलार कृष्णप्रसाद ब्लॉक अंतर्गत उदयगिरी स्थलभाग छुईब जेतेबेले कि पवन वेग घंटा प्रति 185-210 किलोमीटर रहिब परे एहा खोर्धा भुवनेश्वर कटक ढेंकानाल जाजपुर मयूरभंज पश्चिमबंग आड़क गति करिब यार प्रभाव में आसंताकाली राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा लागि रहिब बात्यार एभली भयानक चित्र सामना को आसिबा परे राज्य सरकार 3 और 4 तारीख पर ओडिशार 17 जिले में रेड अलर्ट जारी करिछन्ति आगुआ सतर्कता अवलंबन करने लगी लोकमान को परामर्श दे सामुद्रिक झड़ फोनी रेड वार्निंग जारी करी भारतीय पानीपाग केन्द्र 3 तारीख में 17 जिला रेड वार्निंग जारी हो जिलागुड़िकी गजपति गंजाम पुरी खोर्धा नयगढ़ कटक जगत सिंहपुर जाजपुर भद्रक केन्द्रापड़ा बालेश्वर कंधमाल रायगढ़ अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज ए जिलागुड़िक प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही पुरी खोर्धा कटक जगत सिंहपुर ढेंकानाल जाजपुर भद्रक केन्द्रापड़ा बालेश्वर मयूरभंज जिलार किसी स्थान में अति प्रबल वर्षा होबार आशंका रही बौद्ध कलाहांडी संबलपुर देवगढ़ सुंदरगढ़ जिला रही येलो वार्निंग 4 तारीख में जाजपुर भद्रक केन्द्रापड़ा बालेश्वर केन्दुझर मयूरभंज जिला रही रेड वार्निंग सेपरी कटक अनुगुल ढेंकानाल जिला रही ऑरेंज वार्निंग सेपरी मे 2 रे 6 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करी भारतीय पाणीपाग विभाग इस संपर्क अधिक आलोचना पाई वर्तमान फोन लाइन जोड़ी होती साइक्लोनिंग वार्निंग सेंटर नुआ दिल्ली वर्तमान निर्देशक जोड़ी होती मृत्युंजय महापात्र अच्छा संयुक्त महापात्र आपको स्वागत करुच्ची आलोचना को जबली भाव में देखिए कि बात्या फोनी को लेकिन समस्त एक प्रकार आतंकित अवस्था अच्छा तो आपने जानवाक चाहिए कि वर्तमान फोनी ताजा स्थिति वर्तमान कौन रही अपडेट कौन रही आप सर
ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଫନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ଭାବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁରୀ ପାଖରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପ୍ରାୟ 680 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଆଜି ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିଲା, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ 3 ତାରିଖ ଉପରଓଳିରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ପାଖାପାଖି ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଏହାର ପବନର ବେଗ 170-180 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଗଷ୍ଟିନେସ୍ରେ 200 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି କି ପବନର ବେଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆରେ ଯେତେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫନି, ତ କିଛି ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ କି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଭିତରେ? କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ପୁଡ଼ୁଚେରୀ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଏହା ଛୁଇଁପାରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୁହାଗଲା କି ମିଆଁମାର ସେପଟକୁ ଯାଇପାରେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେଉଛି, ତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ କି ଗତିପଥ? ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ କେବେ ଇଏ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିନାହିଁ କି ଇଏ ତାମିଲନାଡୁ ଯିବ କି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯିବ କି ମିଆଁମାର ଯିବ। ଇଏ 2 ଦିନ ତଳେ କହିଲା ଯେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ହିଁ ଯିବ ଏବଂ ସେହି ଫୋରକାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହି ଚାଲିଛୁ, ଆମର ଫୋରକାଷ୍ଟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ତେବେ ପବନର ବେଗ କେତେ ରହିବ ଏବଂ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି? କାହିଁକିନା କୁହାଯାଉଛି କି ତିତ୍ଲି ଏବଂ ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ ଠାରୁ ଏହାର କି ବାତ୍ୟାର ଭୟଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 8ରୁ ଅଧିକ ରହିବ, ତ ସେ ନେଇ କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ? ଆମର ଯେଉଁ ଆକଳନ ରହିଛି ପବନର ବେଗ ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ର ପବନର ବେଗ ସହିତ ପାଖାପାଖି ସମାନ ଏବଂ ଫାଇଲିନ ତୁଳନାରେ ଏହାର ପବନର ବେଗ କମ୍ ରହିବ। ତେବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କ'ଣ ଆପଣ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ଗମନାଗମନରେ କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ କି ଏବଂ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୃତରେ ପରିମାଣ କେତେ ରହିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ପବନ ମୁଁ କହିଲି ସେଥିରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଗଛ ଉପୁଡ଼ିପାରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ, ଟେଲିଫୋନ୍ ପୋଲ ଉପୁଡ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ବେଣ୍ଡିଂ ହେଇପାରେ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରପ୍ସ ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ରେଲ ରୋଡ ଟ୍ରାଫିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଆପଣ ଆମ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ସିଧାସଳଖ ନେଇଯାଉଛୁ। 13.6 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥ, 84.2 ଡିଗ୍ରୀ ଇଷ୍ଟ। ଅଭି ଇସ୍କା ସାଇକ୍ଲୋନ କା ଆପକା ଏକ ଯୋ मैक्सिम सरफेस विंड है मैक्सिमम साइक्लोन का अराउंड, उसमें 180-190 किलोमीटर पर है गस्टिंग टू 200 किलोमीटर। और अभी आज नून तक इसका मूवमेंट आपका नॉर्थ ईस्टवर्ड रहेगा, उसके बाद फिर इसका रिकर्व होने का स्टार्ट होने का चांसेस है। और ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्टवर्ड रिकर्व होने का वजह से उड़ीसा कोस्ट में आपका आने का चांस है। और उड़ीसा कोस्ट 3rd May आफ्टरनून में बिटवीन गोपालपुर एंड चांदबली साउथ टू पूरी क्रॉस करने का चांसेस है। क्रॉस टाइम विंड स्पीड आपका 185 KMPH गस्टिंग टू 205 KMPH होने का चांसेस है। और इसका इफेक्ट्स में हम ऑलरेडी तो वार्निंग जारी किया है, इसका पहले ब्रीफिंग में ऑलरेडी हम बोल चुका है, फिर भी आपका 3rd May में इसका ज़्यादा इफेक्ट हमारा उड़ीसा में है। ओडिशा का सभी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में 11 डिस्ट्रिक्ट्स उसके साथ एडजेसेंट जो इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें भी आपका इसका ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल वार्निंग जारी किया है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। और आपका स्ट्रांग विंड्स जैसे आपका साइक्लोन्स जहाँ सेंटर जो हिट जो इस रीजन में करेगा उसका अराउंड विंड स्पीड 175-185 KMPH रहेगा। इंटीरियर में भी विंड रहेगा बट कंपेरेटिवली धीरे धीरे कम रहेगा, जितना इंटीरियर में जाएंगे उतना विंड कम रहेगा, बट विंड सभी जगह में रहेगा। और स्टॉर्म सर्ज वार्निंग भी जारी किया है, 1.5 मीटर एस्ट्रोनॉमिकल हाइट से ऊपर का जाने का चांसेस है। पोर्ट वार्निंग अभी हमारा अभी भी थोड़ा तो दूर में है, इसलिए पोर्ट वार्निंग है आपका अभी DW2 वार्निंग जारी है।
फिशरमैन को आज मॉर्निंग में मॉर्निंग तक सभी को जो जो भी अभी बाहर ये में है दूर डीप सी एरिया में है उनको वापस आने के लिए कहा है। ऑलरेडी हमारा साउदर्न पार्ट में साउथ कोस्टल ओडिशा का जो वेस्ट सेंट्रल बे एरिया है उसमें तो जाने के लिए माना पहले से ही था और अभी आज नाइट से ही सबको जाना माना है। ठीक है, और सर अगर देखेंगे जिस तरह की आप बता रहे थे कि आज रिकर करने की चांसेस है, मतलब कितने बजे तक वो स्थिति वो पिक्चर क्लियर होगी कि कहाँ पे रिकर कर रहा है, कितने बजे उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं? आज आफ्टरनून में ही आपका है ये का, ठीक है, रिकर का आज आफ्टरनून में ही आपका है। ठीक है, आज आफ्टरनून में आपका रिकअप करेगा हमारा। अभी आप ट्रैक फोरकास्ट देखने से आप देखने से 12 बजे के बाद ही रिकअप स्टार्ट हो रहा है। सर अगर 3 तारीख की बात आप बता रहे हैं गोपालपुर से चांदवाले के बीच में ये आफ्टरनून में ही करेगा, मतलब स्थल भाग को ये छुएगा, तो उस टाइम पे मतलब टाइमिंग कुछ होता है कि कब तक ये टच करने वाला है? टाइमिंग टाइमिंग हम लोग जब आपका क्रॉसिंग का टाइम आता है उसका पहले हम आवरली बुलेटिन देते हैं। ठीक है, उस समय आपका अभी दो दिन दे दो टू मोर देन टू डेज आर रिमेनिंग। ओके, उस टाइम हम बताएंगे एग्जैक्ट लोकेशन भी उस समय और परफेक्टली हम लोग बता पाएंगे और टाइमिंग भी एग्जैक्टली बताएंगे। सर लास्ट टाइम तितली के टाइम जब रिकवर हुआ था उस टाइम गजपति में 4 घंटे तक भारी बरसात हुई थी और लैंडफॉल हुआ था, आज जब ये रिकवर होगा कहाँ पे रिकवर होगा और इसकी वजह से बारिश नहीं रिकअप तो अभी स्टार्ट हो रहा है, रिकअप हो रहा है इसलिए तो हमारा उड़ीसा कोस्ट में आ रहा है। नहीं सीधा जाने से तो हमारा उड़ीसा कोस्ट में नहीं आता था। ठीक है, रिकअप होने का वजह से या रिकअप होने का वजह से उड़ीसा कोस्ट में। आपण मान देखुले आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र सांबादिक सम्मेलनी जेके पानीपाग केन्द्र निर्देशक सांबादिक सम्मेलनी करथुले एवं बात्या फोनी ने सविशेष तथ्य देउछन्ती।